हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय रावत और आप सबका स्वागत है संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, भी एकदम फर्स्ट क्लास है और आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है बेदिखाल से। अभी बेदिखाल के ठीक ऊपर आ रखा हूँ, जहाँ पर से तीन रोड जाती है, एक बेदिखाल के लिए, एक बजरों के लिए और एक कोरदार के लिए। भाई तो मैं वहीं से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलिए भाई आप भी बने रहिएगा ब्लॉग में। तो दोस्तों, चलिए आज कोई भी दिल्ली या अन्य शहरों से कोई भी आने वाले इधर घर की तरफ आ रहे होंगे, तो उनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि आप लोगों को कुछ बदलाव नज़र आ रहा है सड़कों में, कुछ मतलब ऐसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे यहाँ कुछ परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, मेन सड़कों के प्रति कि सड़कें बन रही हैं यहाँ, तो आप लोगों को कुछ पहले के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए भाई देखते हैं, कोई आता है तो उनसे पूछते हैं, तो बने रहिएगा भाई ब्लॉग में। तो भाई दोस्तों, ये वाली सड़क है ना, तो ये हाल ही में बनी है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनी है। तो चलिए, हमें तो अच्छी लग रही है, लेकिन जो भी पर्यटक यात्री बाहर से आ रहे हैं उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसी लगती है। तो ये जो गाड़ी आती है इसी को रोकते हैं आगे को, तो इन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। और आप कहाँ से आ रहे हो? कोरदार से। अच्छा, कोरदार से आ रहे हो आप, तो कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी, बेहतरीन बेहतरीन। और आपको सड़कों में कुछ यहाँ बदलाव कुछ मतलब कैसा? पिछले साल गए थे उस टाइम तो टूट फूट थी, पर इस बार बहुत अच्छी बनी हुई है। 5 घंटे का रन 3 घंटे में करके आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसके लिए हम इस क्षेत्र के विधायक सतपाल महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारा सारा क्षेत्र जो है ये नया पंचायत भरवेखा से हम लोग, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। हाँ जी, जी। इतनी अच्छी रोड बनाई है, वो बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। काम चल रहा है हमारे क्षेत्र में। हाँ जी, हाँ जी। तीन एक कोटा बांध है, सेंधार कोटा बांध वाली रोड जो यहाँ कसनी होते हुए सेंधार होते कोटा बांध होते हुए वो बिजरा पानी, उसमें भी हमारा डामनीकरण चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी का सबसे बड़ा मतलब हम आर्थिक बात करते हैं कि जो हमारा बेदिखाल भरवेखाल जो कदरा तक जो यहाँ पे डामरीकरण जो 19 करोड़ रुपए का यहाँ पे हुआ है, वो होंडा कंपनी का काम बेहतरीन कर रहा है वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। वो हो रहा है, इसके लिए पुनः हम महाराज जी का पूरा क्षेत्र धन्यवाद करता है। हाँ जी। और अब थोड़ा सा कदौला से चौंडला और एरोली और चंदौली मेला से मोटर मार्ग थोड़ा आधा 1 किलोमीटर रह गया, तो सारी क्षेत्र की जल्दी से जल्दी हम बीरोखार ब्लॉक में मिल जाएंगे रोड तैयारी मार्ग से, और जहाँ से हॉस्पिटल की हम लगे इसके लिए पुनः क्षेत्र धन्यवाद महाराज जी का। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और जी बढ़िया, कैसे? किधर से हो रही है आपकी दौड़? मैं पोखड़ा से। अच्छा, पोखड़ा से आ रहे हो। और आपको यहाँ कुछ बदलाव भी नजर आ रहे हैं सड़कों में? सड़कों में बदलाव थोड़ा सा, रोड ठीक हो गई है बाकी। अच्छा, अच्छी हो गई है? ठीक हो गई है फिलहाल। फिलहाल ठीक है, नामकरण अच्छे से हो रखा है, मतलब टाइमिंग अच्छी आ रही, मतलब गाड़ी की मतलब आने जाने की पहले के अकॉर्डिंग अच्छी है ना? आधे घंटे का फर्क पड़ गया। अच्छा, आधे घंटे का फर्क पड़ गया ना, चलो बढ़िया है। आप मतलब सहमत हो मतलब सड़क के बनने से? ठीक है फिलहाल, पर नाली बन जानी चाहिए, क्योंकि फिर ये सड़क टूट जाएंगी ना, कहने का मतलब ये। अच्छा। बनाया, पैसा खर्च किया है तो पैसा ठीक तरह से खर्च किया जाए, ये नाली बन जाए। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद पानी का कटाव हो जाएगा तो सड़क ठीक रहेगी, काफी लंबे समय तक चलेगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, फिर आपका धन्यवाद। तो भाई दोस्तों, ये वाली जो सड़क है तो ये वाली जाती है बेदिखाल मार्केट के लिए, और इधर है तो ये बीरोखाल बैजरों के लिए जाती है। बाकी इधर काफ़ी सारी गाड़ियां आ ही रही है, ये देखिए भाई सब चले गए। और जो इधर वाली सड़क है ये वाली भाई कोरदार जाती है, तो बहुत ही अच्छी सड़कें बन रही हैं भाई, तो कुछ बहुत सारा परिवर्तन भी आ रहा है पहाड़ों की सड़कों में। बाकी ये देखिए भाई, यहाँ पर बोर्ड भी लगा है। तो भाई दोस्तों, ये है बेदिखाल और बेदिखाल का मेन गेट, बेदिखाल से भरवेखाल और चोरकंडा सेंधार के लिए इसी रोड से जाता है भाई रास्ता। और ये भी सतपाल महाराज जी द्वारा इसके लिए भी 1 लाख की लागत दी गई थी, स्वीकृति लागत, तो ये गेट भी उन्हीं के उसमें बना है। दोस्तों, कदौला से भी सैदोखाल तक का मोटर मार्ग पक्का हो रहा है, इस पे भी डामरीकरण चल रहा है, और यहाँ पर एक ताऊ जी मिले हैं। ताऊ जी, वो ताऊ जी ठीक हो रहा है काम? हाँ? कैसा चल रहा है सड़कों का काम? काम आले चढ़ने का काम चल रहा है, और ये जो है उत्तराखंड के अंदर मेरे ख्याल से
सबसे अच्छी रोड बनने जा रही है। महाराज जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये रोड में टाइम तो हमारा टाइम लगा है, लेकिन उसमें जो है महाराज जी का बहुत अच्छा सहयोग था और महाराज जी के कृपा से जो ये आज हमारी रोड बननी है, मेरे ख्याल से उत्तराखंड के अंदर सबसे बेस्ट रोड बननी है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई दोस्तों, ताऊ जी का तो कहना है कि ये वाली रोड है जो सबसे बेस्ट सड़क बन रही है और महाराज जी के ही कार्यकाल के अंतर्गत ही बनने जा रही हैं ये सड़कें, तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। तो चलिए अब हम भी चलते हैं आगे को। तो भाई दोस्तों, ये देखिए विधायक निधि के अंतर्गत यहाँ पर सड़कें बन चुकी है, बेदीखाल से सैतोखाल मोटर मार्ग, भरोलीखाल सॉरी, और ये भोराड वाली सड़क भी बन चुकी है। और मुझे यहाँ पर कुछ दादी जी लोग मिले हैं। तो दादी जी, आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरा नमस्ते और ठीक ठाक नमस्कार। और सड़कन बनी च सड़कन बन बहुत अच्छी, बड़े बन गया ना, बड़े मतलब घर जाना से एक मिनट गाइड भी एकदम मतलब पहला हिसाब से बड़े बनी से बड़े सुविधा हुई गई बहुत अच्छा। और दादी आपको ठीक बनी है? बहुत बढ़िया हुई, नंबर वन बनी है। इनसे भी पूछते हैं, आप लोग भी संतुष्ट हो? बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया बनी है ना? बरसात के टाइम में पानी अटक जाता था, अच्छा परेशानी होती थी चलने फिरने में। आज रात ही गेट बज गया। चलो ठीक है फिर, है ओके बाय। तो भाई दोस्तों, सभी लोगों से मैंने सवाल जवाब भी पूछ लिए हैं कि आपको सड़कों से कितनी संतुष्टि मिली है, कि सड़कें कैसी बनी है, अच्छी बनी है, बुरी बनी है। तो काफ़ी सारे लोगों का अच्छा ही रिजल्ट रहा, जितने भी लोगों से मैंने बात की हर किसी ने अच्छा ही कहा है कि सड़कें बहुत ही अच्छी बन चुकी है। और बाकी आप लोगों की भी क्या राय है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो भाई दोस्तों, आप लोगों से मैं ये पहले ही बता दूँ कि ये वाला ब्लॉग मेरा किसी भी पार्टी को ऊँचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं था, सिर्फ ये सड़कों के लिए था कि लोगों से सवाल जवाब थे कि आप लोगों को सड़कें कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है, जो भी इस पर डामरीकरण हो रहा है। तो सिर्फ इसी विचार पे मैंने ये ब्लॉग बनाया है, बाकी आप लोग ज़्यादा वाद विवाद ना उठाइएगा इस ब्लॉग को लेकर। बाकी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को भी कैसी लगती है सड़क, मतलब आपकी जो भी राय है आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी किसी भी पार्टी के खिलाफ मेरा ये ब्लॉग बनाना नहीं है, मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूँ। और बाकी मेरी विधायक जी से यही विनती है कि जिस जिस गांव में सड़कें नहीं गई हैं, वहाँ वहाँ का सड़क ज़रूर पहुँचाई जाए, क्योंकि भाई गाँव में कोई रह नहीं गया है, बुज़ुर्ग लोग ही रह गए हैं और बाकी कई समस्याओं का सामना उन बुज़ुर्गों को भी करना पड़ता है, क्योंकि जो भी जवान लोग हैं यहाँ रोज़गार का साधन नहीं है, तो हर किसी ने पलायन कर ही दिया है, गाँव में कोई रहना चाह नहीं रहा है। बाकी आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पलायन एकदम तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है, घरों में नौजवान लोग को ही नहीं रह गए हैं, सिर्फ बुज़ुर्ग लोग ही रह गए हैं, तो उन्हें भी इधर उधर जाने में, सामान वगैरह लाने में बहुत ही दिक्कत परेशानी होती है। तो सभी जगह सड़कें पहुँचनी चाहिए, मेरी यही विनती है आपसे। बाकी धन्यवाद, और दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं अगले मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड, धन्यवाद दोस्तों।